बड़ी खबरों पर। एक तरफ जहां पूरे भारत में लॉकडाउन जारी है, वहीं अयोध्या पुलिस भी पूरी तरह सख्त हो गई है। भारत व प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए जिले के उच्च अधिकारी स्वयं रोड पर आकर कमान संभाल रहे हैं। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह बीकापुर चौरे हैदरगंज तारून मिल्कीपुर सभी थाना क्षेत्र में पहुंचकर जमीनी हकीकत जानी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकापुर और तारून में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच कराकर रहने की व्यवस्था की गई। वह इंस्पेक्टर बीकापुर इंद्रेश कुमार यादव द्वारा कोतवाली के सामने भोजन व पैकेट की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र से जहां फोन आ रहा है वहां पर भी भोजन पहुंचा रहे हैं। वहीं तारून पुलिस द्वारा काफी लोगों को राहत सामग्री दी गई है। वहीं क्षेत्र के तमाम समाज सेवा से जुड़े लोग भी आगे निकलकर लोगों को भोजन व राहत की सामग्री दे रहे हैं। जिले की सीमा की बात की जाए तो कई जगह हाईवे और ग्रामीण क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाकर पुलिस 24 घंटे बाहरी लोगों के आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए है, उचित कार्यवाही भी कर रहे हैं। वहीं एसएसपी द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है कि एक गाड़ी एक सवारी का भी पुलिस पालन करने में लगी हुई है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू यादव की रिपोर्ट। ये अभी जो हम लोग यहाँ पिपराहट चौराहे पर हैं, यहाँ से भूटान की बॉर्डर है, आगे सही जा रही है और हमारा बॉर्डर लगता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, एक बैरियर लगा हुआ है, यहाँ राउंड की क्लॉक चेकिंग हो रही है, यहाँ एसी भी है और स्टेट भी लगे हुए हैं और नशे का कुछ काम हो रहा है। वहाँ हम लोगों ने जाकर के पूरे गांव में भी एरिया डोमिनेशन किया है, वहाँ भी गए। हालांकि अभी ऐसी इस दौरान कोई इसी बात की पुष्टि नहीं हुई, पहले ऐसा लोग वहाँ होता था ऐसा बताया लोग, लेकिन हम लोग हर सूचना को अटेंड कर रहे हैं और जाकर के पूरा उसको ठीक करा रहे हैं कि ऐसी कोई भी गलत काम ना हो। जो लोग बाहर फंसे हुए थे, बहुत कामगार और बहुत ऐसे लोग थे जो फैक्ट्रियों में और तमाम श्रमिक थे, वो लोग कल से निरंतर आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, उनको सेफली निकाला जा रहा है और बाकायदे उनकी स्क्रीनिंग भी हो रही है जो यहाँ के लोग हैं, और स्टैंपिंग भी हो रही है और उनका मेडिकल चेकअप भी हो रहा है, और बाहर के लोगों को बिना किसी अवरोध के उनको सहूलियत देते हुए और उनको जो भी नीड है रास्ते में मिल सकता है उन पर आते हुए उनको सुरक्षित भेजा जा रहा है ताकि वो जल्दी से अपने घर तक पहुँच जाएँ और नियमों का पालन करें। और महासंक्रामक बीमारी को फैलाने वाले जो लोग हैं जानबूझकर या उपेक्षा से संबंधित मामले गाड़ियाँ भी सीज की जा रही हैं, चालान भी किया जा रहा है और FIR हो रही है और जेल भी भेजा जा रहा है, इसमें 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। दर्जनों मुकदमे हमारे कायम हो चुके हैं और डेली मुकदमे कायम हो रहे हैं। जनता को सर नियमों का पालन करें और लॉकडाउन को पूरी एक्यूरेसी से सफल बनाएं, पूरा कंप्लायंस करें ताकि जिस काम के लिए लॉकडाउन यहाँ हुआ है उसका लाभ मिल सके। हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है, लॉकडाउन घोषित किया गया है। हमारे SSP महोदय और DM साहब के आदेशानुसार जनपद में लॉकडाउन घोषित किया गया है, संपूर्ण जनपद को जो है बॉर्डर सील किए गए हैं। हम लोगों को आदेश मिला है कि आवश्यक वस्तुएं जैसे 10 से 2 बजे तक फुटकर विक्रेताओं की दुकान, राशन, मेडिकल स्टोर, जो फुटकर विक्रेता हैं उन्हें खोले जाएंगे, 2 से 6 थोक विक्रेताओं के दुकान खोले जाएंगे, 10 से 6 बजे तक फल सब्जी दूध आदि की दुकानें खुली रहेंगी, ऐसा हम लोगों को ऊपर से आदेश मिले हैं। तो बाहर से लोग आ रहे हैं इस समय, उनकी हम लोग सूची बनाए हुए हैं तथा उन्हें ये जानकारी की जा रही है कि उनकी जांच हुई है कि नहीं हुई है। यदि जांच हुई है तो उन्हें 14-12 दिन के लिए अलग से रहने के लिए घर में बोला गया है, यदि जाँच नहीं हुई है तो उन्हें जो है निकट के CSC में भेजा जा रहा है और वहाँ पर अपनी जांच कराकर वो घर पे आके 12 दिनों तक अलग से कमरे में रहें, जिससे कि ये संक्रमित बीमारी किसी को फैले नहीं। क्या निर्देश मिला सर, क्या आप चेक कर रहे हैं और आने जाने वाले के लिए क्या? आने जाने वाले के लिए से कोई गाड़ी है, कोई आवश्यक कार हो तभी जा सकते हो आप, जैसे दूध वाला हुआ, गैस वाले हुए और मेडिकल से रिलेटेड हुए कोई भी, यही आदेश है। किसी से विनम्रता से बात करना है, किसी को बता देना है क्या क्या इंस्ट्रक्शन आए हुए गवर्नमेंट ने दिए हमको, उन्हीं का पालन किया जा रहा है। सर आप बात तो आप सही है, फिर भी हम जो सोशल डिस्टेंस क्लियर करके रखते हैं, लोगों से दूर से ही बात करते हैं, वो बता देते हैं क्या क्या आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, कोई आता है बात उसका नाम नोट कर लेते हैं तुरंत अपने थाना अध्यक्ष को।
और कप्तान साहब तक सूचना पहुँचती है कौन आया, उसका मेडिकल कराना और बता देते हैं आपको 14 दिन कब तक घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आपको। जनसेवा द्वारा सहयोगी मित्रों द्वारा ये जो राहगीर पैदल दिल्ली बम्बई या अन्य जिलों से प्रदेशों से आ रहे हैं, उनके खाने पीने की यहाँ पे एक लंच पैकेट की व्यवस्था, बकायदे पानी की व्यवस्था और रुकवा करके प्रशासन द्वारा उनको अन्य अन्य देशों जिलों में गाड़ियों की व्यवस्था करके भेजा जा रहा है यहाँ प्रातःकालीन सुबह से वो अब तक पैकेट बढ़ चुका है और रात में उम्मीद है 10 बजे तक का हम लोग सहयोग में राजी हैं कि 10 बजे तक जितने भी राहगीर आएंगे ये कार्य प्रगति पर चलता रहेगा। सेवा कब तक चलेगी? सेवा जब तक ये लॉकडाउन है तब तक लिए हम लोग तैयार हैं। प्रतिदिन सुबह से? प्रतिदिन सुबह प्रातःकालीन 4 बजे से रात्रि 10 बजे। आपका सुनना दीपक तिवारी। जो भी लोग स्थापित होकर के विभिन्न जिलों से, दिल्ली से, बॉम्बे से, इत्यादि जगहों से आ रहे हैं, उनके लिए रुकने के लिए हमने 2 जगह बनाई है। एक भारती इंटर कॉलेज बनाया है, दूसरा तारून में हमने जो है पारा गरीब शाह प्राथमिक विद्यालय को जो है हमने आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया है। इसमें हमने इनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। इनके खाना खाने के बाद इनके आराम करने के लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी पर जो है गद्दे लगवाए हैं। इनके लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था, इनके लिए बिस्किट की व्यवस्था और इसके बाद जो है इनको वहाँ पर आराम करने की शासन द्वारा ही निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अब जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसको यहीं पर होम क्वारंटाइन करना है। तो हम इस निर्देशों का पालन करते हुए अब से जो लोग आएंगे उनको हम यहाँ रोकने की पूरी कोशिश करेंगे कि 14 दिन लोग यहाँ रुकें और इसके बाद ही वो अपने घर जा सकें। जो भी व्यक्ति आ रहा है सबसे पहले उसका हम हाथ मुंह धुलवा रहे हैं साबुन से और उसके बाद बगल में ही हमारे CSC हैं और तारुण में भी हमारे बगल में ही जो है CSC है। दोनों जगह पर हम उनका जांच करवा रहे हैं डॉक्टर से और जांच कराने के बाद बकायदा जो व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि उसको इस तरह के लक्षण हो सकते हैं उनके हाथ में हम मोहर लगवा करके उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए वो मोहर लगवा दे रहे हैं, जिससे कि ऐसा न हो कि अपने गाँव में पहुंचे तो किसी को जानकारी न हो पाए कि उनकी जाँच हुई है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जांच कराई गई है उसके हाथ में हमने मोहर लगाई है, फिर उन्हें खाना खिलाया है। खाना पीना खाने के बाद अभी तक वो लोग अपने गंतव्य की तरफ चले गए हैं। वर्तमान में जो लोग आएंगे उनको हम यहाँ रोकेंगे। हमको सारी जानकारी है, प्रत्येक गांव में जितने लोग भी पहुंचे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है और जो भी लोग गांव पहुंचते हैं हमारा लेखपाल वहां पर है, हमारा सेक्रेटरी वहां पर है, उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि फला व्यक्ति जो है इस गांव का आ चुका है, उनको तत्काल डॉक्टर को सूचित किया जा रहा है। डॉक्टर की प्रत्येक दिन टीम निकल रही है और 10 से 12 गांव में उनका विजिट हो रहा है और वहां पर जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनकी सूची जो हमने उनको दी है उसके माध्यम से वो उनको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये भी प्रशासन द्वारा लिस्ट बनवाई गई है। प्रत्येक गाँव सभा में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए अभी मैं गया था थोड़ी देर पहले ही बनकट पे, जहाँ 6-7 बिहारी मजदूर फंस गए थे, उनके भोजन की व्यवस्था हमने बनवाई है, उनको अनाज हमने दिया है और अनाज देने के पश्चात उनको बताया गया है, तत्काल सप्लाई इंस्पेक्टर को सूचित किया गया कि कोटेदार के माध्यम से उनको अगले जितने दिन तक वो यहाँ रुकना चाहेंगे उसका राशन को उपलब्ध कराया जाए। शेष अन्य लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, श्रमिक के रूप में उनका पंजीकरण नहीं है, उनके लिए हमने जो है कोटेदार के माध्यम से, अपने प्रधान के माध्यम से और जो क्षेत्र के लोग हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो दान देने वाले, उनके माध्यम से व्यवस्था बनाई हुई है कि उनको तत्काल जो है राहत उपलब्ध कराई जाए। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24 की सारा लाइव।